so hello students welcome to daily aia pgat practice questions organized by aptarveda classes daily you are given a target of 10 questions and the time limit is 15 minutes now i will let you know how you can give the test first it, you have to download the aptarveda classes app from google play store after that you have to complete the process of signing up once you have signed up you have to enroll to daily live test course

अब देखिए यहाँ पर सुश्रुत ने जब पक्षाघात का वर्णन किया है वहां पर चिकित्सा में अलग अलग मीन्स तेल का या कल्पों का वर्णन किया गया जिसका अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूप में वर्णन किया है ऑप्शन देख लेते हैं ए पान बी अभ्यंग सी अनुवासन और डी नस्य ठीक है तो इसका आंसर क्या है अनुतेल का अभ्यंग के फॉर्म में यूज करना है ऐसा सुश्रुत ने बताया है अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं उप अनुवासन के लिए कौन सा तेल बोला है बला तेल बोला है तो ये ध्यान में रखिए बला तेल अनुवासन के लिए आया है और पक्षाघात की चिकित्सा में उपनाह किसका बताया है सालवन उपनाह ठीक है ये पक्षाघात की चिकित्सा में सुश्रुत ने बताया है तीनों इंपॉर्टेंट है अनुवासन के लिए बला तेल उपनाह में सालवन उपनाह और अनु तेल किस

ध्यान से देखो ये जो इसका आ, क्या बोलते हैं एक प्रकार से फ्रूट है जो फल है वो क्या है कृष्णाभवर्णीय है ठीक है ये फल है उसका कृष्णाभवर्णीय किसका रहता है पिपली का रहता है दैट इज पाइपर लॉन्गम ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर ठीक है ये क्या है पिपली है पिपली का कार्य क्या रहता है कासहर रहती है हमें पता है ना कास में जब भी किसी को पेशेंट को कफ हो जाती है तो हम उसको पिपली का कोई भी कॉम्बिनेशन देते हैं पिपली ऐसा भी दे सकते हैं या कोई भी ऐसा ड्रग कोई भी मेडिसन जिसमें पिपली मेन कंटेंट हो क्योंकि वो कास को हरती है तो दैट इज पिपली फैमिली क्या है सिंपल है पाइपर लॉन्गम की फैमिली पिपरी ऐसी और ये क्या है कास हर है ये ध्यान में रखो अब so, इसकी जातियां कौन कौन सी है जाति आपको एक तो पिपली है दूसरी गज पिपली थर्ड इज सहेली और फोर्थ वन पिपली ये चार जातियां बताई गई है वो जब आप द्रव्य गुण डिटेल में पढ़ेंगे तब आप देख लेंगे ठीक है तो ए यहां पर ध्यान में रखो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सुश्रुत अनुसार निम्न में से वर्ण वस्तु नहीं है अगेन मैंने बताया था ये नहीं है ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चंस को दो बार पढ़ना चाहिए कभी भी जहाँ पे भी निषिद्ध है या कॉन्ट्रेंटिकेटेड है या फिर नहीं है सिवाय है ऐसे टर्म्स आते हैं वहां ध्यान से पढ़ो ऑप्शन ए क्या है त्वचा बी रक्त सी अस्थि और डी मर्म तो सुश्रुत ने आठ वर्ण वस्तु बताई गई है कौन सी है वो आठ वर्ण वस्तु चलिए आइए एक एक करके देखते हैं फर्स्ट इज त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और लास्ट वन इज मर्म ये आठ वर्ण वस्तुएं बताई गई है ठीक है तो इसमें से देखो त्वचा दी, दिया हुआ है अस्थि दिया है मर्म दिया है तो आंसर क्या रहेगा रक्त रक्त वर्ण वस्तु नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ध्यान से पढ़ना उसको और अटेम्प्ट करना रेफरेंस मिलेगा शुश्रूष सूत्र बाविसवा अध्याय तीसरा श्लोक ठीक है रक्त इज नॉट वर्ण वस्तु वर्ण वस्तु सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विरेचन औषधि किस अवस्था में कार्य करती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या है पच्चमान अवस्था बी आम अवस्था C, पक्वा अवस्था और डी अपक्व अवस्था तो अपक्व वमनम पच्यमानम विरेचनम ऐसा श्लोक आया है तो यहां विरेचन कौन सी अवस्था में कार्य करेंगी पच्यमान अवस्था में कार्य करेंगी इंपॉर्टेंट है नोट करो उसको ठीक है रेफरेंस मिलेगा आपको सुश्रुत चिकित्सा थर्टी थर्ड अध्याय थर्टी फोर्थ श्लोक पच्चमान अवस्था यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव सुश्रुत अनुसार निम्न में से जांगम विष का अधिष्ठान नहीं है मैं फिर से बता रहा हूं नहीं है वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो जांगम विष के जो अधिष्ठान बताए गए हैं इसमें पित्त शुक्र और नख ये तीनों अधिष्ठान हैं शीर अधिष्ठान नहीं है शीर स्थावर विश का अधिष्ठान है जांगम का नहीं तो स्थावर विश के कितने अधिष्ठान बताए गए हैं दस अधिष्ठान बताए गए हैं और जांगम के शुश्रुत ने कितने बताए हैं सोलह बताए हैं तो ये पॉइंट ध्यान में रखो आप ठीक है तो यहां शीर क्या है स्थावर मैं लिख देता हूं स्थावर विश ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहां पर ऑप्शन ए शीर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रहलादन तेल में तिल और कांजी का अनुपात कितना होता है अनुपात का मीनिंग क्या होता है अनुपात का मीनिंग होता है रेशो कितना क्वांटिटी या कितना परसेंट किसी में रहेगा दैट इज अनुपात अब देखो प्रहलादन तेल में तिल और कांजी मैं आपको जस्ट इसका ओरली आंसर बता देता हूं तेल वन अगर वन पार्ट है तो कांजी रहेगा हंड्रेड पार्ट ठीक है ये ध्यान में रखो तो क्या है इसका आंसर सेकेंड बी भैषज कल्पना के टॉपिक में आपको ये कल्प मिलेगा प्रल्हादन तेल यूजुअली हम जितने भी स्किन डिसीजेज वगैरह रहते हैं उसमें उसको यूज करते हैं सिक्स का आंसर क्या है बी वन इज टू हंड्रेड नेक्स्ट सुश्रुत ने किसे मूत्र कुरुच्छ का प्रकार नहीं माना है ठीक है कौन अभी पहले ध्यान दो कौन कौन से हैं प्रकार इसमें ऑप्शन बता देता हूँ पहले मैं आपको ए शोणित जन्य बी अभिघात सी अश्मरी जन्य डी शक्रुत जन्य तो मैं आपको पहले राइट आंसर बता देता हूँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शोणित जन्य शोणित जन्य को सुश्रुत ने मूत्र कृच्छ का प्रकार नहीं माना है अब मूत्र के आठ प्रकार बताए गए हैं कौन कौन से हैं वातच पित्तज कफज सानीपातज ये हो गए चार अब बाकी के चार कौन कौन से हैं एक तो ये है अभिघातज अश्मरी जन्य शक्रुत ये हो गए तीन प्लस एक आखिरी कौन सा है शर्कराजन्य तो इस तरह से सुश्रुत ने मूत्रक्रुच्छ के आठ प्रकार माने हैं इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है ध्यान में रखो हमें पता होना चाहिए हम यूजुअली चरक को महत्व देते हैं लेकिन सुश्रुत उत्तर तंत्र में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं घात के प्रकार के प्रकार जो बहुत बार हम निग्लेक्ट करते हैं मतलब वहां तक पहुंच पहुंच ही नहीं पाते हैं हम पढ़ने के लिए तो वहां पे भी एक बार नजर घुमाना जरूरी है ऑप्शन ए शोणित जन्य करेक्ट है इसे मूत्र कृच्छ का प्रकार नहीं माना है सुश्रुत में ठीक है रेफरेंस शिशुर उत्तर उत्तर तंत्र 58 बाय थ्री ऑब्लिक फोर्थ श्लोक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट अंशपीठ एवं ग्रीवा में क्रमशः कौन सी संधि होती है ठीक है अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स बोलूंगा मैं यहाँ बॉडी पार्ट्स भी कह लो तो जो संधियां रहेगी जो पहली रहेगी वो अंश पीठ को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी रहेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी ग्रीवा को तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए तुन्न सेवनी वायस्तुंड, वायस बी देख लेते हैं कोर व सामुद्ग सी क्या है सामुद्ग व प्रतर और डी क्या है प्रतर व उल्लूखल तो अभी इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी और प्रतर मतलब अंशपीठ में कौन सी रहती है सामुद्ग रहती है और ग्रीवा में कौन सी रहती है ग्रीवा में रहती है प्रतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दो इस पे बहुत बार आते हैं ठीक है संधियों का अस्थियों का टॉपिक जो हमारे शुश्रुत शरीर में दिया है वो पूरा इंपॉर्टेंट है रेफरेंस है शुश्रुत शरीर पांच बाय बत्तीस आंसर इज सी सामुद्ग एंड प्रतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विशिकांतर किसके संदर्भ में कहा गया है विशिकांतर योनि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है ध्यान दो इस पे आ चुका है क्वेश्चन नेशनल आयुर्वेद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखो विशिकांतर योनि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है गुद्ध मार्ग नहीं मुख मार्ग नहीं और नासा मार्ग नहीं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुश्रुत में मिलेगा आपको ध्यान दो नोट करो उसको नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे उत्पाटक रोग की चिकित्सा अर्थ किसका प्रयोग निर्दिष्ट है ऑप्शन ए सिद्ध तेल ऑप्शन बी गौरी सिद्ध तेल ऑप्शन सी अपमार्ग सिद्ध तेल एंड लास्ट इज रसांजन सिद्ध तेल तो अब इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है अपमार्ग सिद्ध तेल उत्पाटक जो कर्णपालीगत रोग है ठीक है उसकी चिकित्सा हेतु अपमार्ग सिद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए इसमें रेफरेंस क्या है शुश्रुत सूत्र सोलवा अध्याय छत्तीसवा श्लोक ऑप्शन सी अपमार्ग सिद्ध तेल इज करेक्ट सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन दैट्स ऑल फॉर टूडे